ओ हे गाइस, गुड मॉर्निंग, हेलो, सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एंड सुबह सुबह का टाइम है और आपको मैं दिखाऊं भाई, तो ये जो सीट है ना भाई, बिल्कुल ब्लैक कलर की है, बट आप देख सकते हो जो कोरा पड़ना जो है ना स्टार्ट हो चुका है। और बिल्कुल ये देखो, बिल्कुल वाइट हुई है इस टाइम। और ये भी देख सकते हो यहाँ पे, और मेरी बाइक पे भी सीट्स जो है पानी भरा हुआ है, इसके ऊपर भी जो ओस वगैरह है, क्योंकि मैं थोड़ा रात को लेट आया था, उसकी वजह से इस पे जो है कोरा नहीं पड़ा है। बाकी तो भाई सबके मतलब मैक्सिमम जो है कोरा वगैरह पड़ रहा है। बाकी अभी सुबह का जो है 7 बजे का टाइम हुआ है, और अभी मैं जा रहा हूँ ग्राउंड में। आपको बता दूँ, आजकल जो है चली है पुलिस की रैली चली है, आजकल जो है भर्ती 2021 की भर्ती हो रही है। तो आज कल से जो है लड़कों की भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई मेरे फ्रेंड आए हुए हैं गांव से, तो भाई उसकी भर्ती है, तो उसको छोड़ने जा रहा हूँ अभी मैं। तो चलो आओ, देखते हैं ज़रा क्या सीन है फिर आगे का। बाकी मेरा पिछवाड़ा जो है भाई पूरा गिल्ला होने वाला है अभी, क्योंकि पता नहीं कहाँ गिर गया इसका कपड़ा जो था जो साफ़ करने का। तो चढ़ाता हूँ यार अभी। और आप लोग अगर इस रोड के हाल देखोगे ना, तो भाई कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं ना, कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। आप लोग खुद देख सकते हो कि क्या हालत हो चुकी है रोड की, मतलब बुरे हाल बोल सकते हैं इस रोड को। मतलब नीचे से आते आते जो है ना गाड़ी मोशन तोड़ देती है, इतने बुरे हाल हो चुके हैं रोड के। भी सही हो रहा है, भी पता नहीं है कितना टाइम लगेगा इसको सही होने में। ये भाई लोग भी भर्ती के लिए जा रहे हैं, मे भी। तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है कि मतलब आउटसाइडर जो है ना भाई, उनको मतलब अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। तो अभी जाके उधर पता लगेगा क्या सीन है। बाकी वैसे बोल रहे कि आउटसाइडर को अंदर नहीं जाने दे रहे, क्योंकि रजत भाई गया हुआ है अंदर, वो मना कर रहा है कि अंदर नहीं जाने दे रहे हमें, गेट से जो एंटर नहीं होने दे रहे। तो अभी देखते हैं जरा क्या बनता है, जैसा भी होगा मैं बता दूंगा आप लोगों को भी। तो फाइनली मैं वैसे तो अभी पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, भी लगेगा पता कहाँ पे होंगे रजत जी। और सुबह सुबह ठंड भाई इतनी ज़्यादा है ना, कि मतलब थोड़े से चल के आए हम लोग और कुल्फी हो चुकी है अपनी तो जम के। ये वाला गेट है भैया, परले वाले से पीछे से। चल अच्छा, पहले यहाँ से जाते थे, अब बंद कर दिया इन्होंने। हाँ तभी तो बंद किया है ना इन्होंने। ये वाला गेट इसलिए रखा है क्योंकि जो आउटसाइडर जो है ना अंदर ना जा सके, इसीलिए इन्होंने ये वाला गेट जो है इसी गेट से जो है एंट्री रखी है यहाँ से। शायद यहाँ पे चेकिंग होगी मेरे हिसाब से। और यहाँ पे भाई काफी ज्यादा बंदे हैं, आप देखोगे अगर मेरे हिसाब से ना, मैं यहीं लगा देता हूँ क्योंकि रॉन्ग साइड जा रहा हूँ पहले मैं, क्योंकि थोड़ा रश तो तब भी कम है ना, क्योंकि दिन बांट रखे हैं इन्होंने कि मुझे लगता है 16-17 तारीख तक जो है यहाँ पे भर्ती चलेगी, उसकी वजह से भी है। वहाँ जो ठंड से देख हाथ लाल हो गए, नाखून अलग ही दिखाई दे रहे हैं भाई। तो ये रहे हमारे अर्जुन भाई, इनकी भर्ती है आज। सो गाइस, ये वाला रहा यहाँ से जो मेन एंट्री हो रही है इधर से, तो यहाँ से अपनी मेन एंट्री है। बाकी आउटसाइडर तो अलाउड नहीं है, तो अभी मैं भी वापस जा रहा हूँ। बाकी बताता हूँ आपको अगर कुछ मुझे वीडियो क्लिप्स मिला। गाइस मैं तो अभी आ गया हूँ वापस, क्योंकि अंदर तो जाने नहीं दे रहे, फिर क्या फ़ायदा जाके भी। तो अभी चलता हूँ रूम, क्योंकि ठंड भी काफ़ी है। बाकी मैं बता दूँ आपको, जो रैली हो रही है ये हो रही है जो चंबा घाट और बाईपास वाला जो भाई हाईवे है ना, नीचे से आया जो
न्यू बस स्टैंड होके वहाँ पे पुलिस लाइन में आगे जाके, बाकी जिसकी भर्ती है भाई वही अंदर जाएगा बंदा, बाकी और तो सारे बंदे बाहर रहेंगे। ये सीन इन्होंने इस बार कर रखा, बाकी तो वैसे भाई वहाँ पे पहाड़ियाँ है ना भाई फुल रहती थी बिल्कुल आउटसाइडर, जो बंदे ऐसे ही देखने गए होते थे उनके साथ। बाकी इस बार पता नहीं क्यों कर रखा है, शायद कोविड की वजह से होगा, ऐसे भी हो सकता है, उसका बात का पता नहीं है। बाकी मैं तो चलता हूँ फिर रूम, क्या करेंगे इधर ठंड में भी, क्योंकि ठंड हो रही है भाई काफ़ी ज़्यादा सुबह सुबह। मैंने आपको बता दिया है कि कोहरा कितना पड़ा था, तो ठंड का आप तो वैसे भी अंदाज़ा लगा सकते हो। ओए होए होए होए, कुछ दिनों में जो है गंदी वाली ठंड पड़ने वाली है, अब इसको बहुत ज्यादा गंदी बोलते ना, वो वाली ठंड पड़ने वाली है बस अब। तो जिसको नहीं पता है उसको बता दूं, ये वाला रहा न्यू बस स्टैंड यहाँ पे सोलन का, और इसी से जो है ना मतलब 300-400 मीटर आगे जाके जो है अपना पुलिस ग्राउंड रहा, पुलिस लाइन है जो आगे पुलिस वालों का ग्राउंड है, वहाँ पर भर्ती है, यहाँ से भी शायद दिखाई देगा। सो गाइस वैसे तो मैं कल भी यहाँ पे आऊँगा, तो कल का भी जो मेरा कुछ थोड़ा बहुत बनेगा वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अंदर तो दिखा नहीं सकते और भाई ज़बरदस्ती कर नहीं सकते, क्या फ़ायदा ज़बरदस्ती करने का फिर अगर खुद को भारी पड़े, इसलिए भाई कोई रिस्क नहीं। तो फिर मिलते हैं अपने कल वाले वीडियो में, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।